बनाने का देसी तरीका और इससे बड़ा तरीका कहीं कुछ नहीं है। और ये घर की औषधि कहीं घरेलू नुस्खा जो भी है यही है दोस्तों। किसान साथियों प्रेम पूर्ण नमस्कार। किसान साथियों आज आप मेरे पास एक अजीबो गरीब चीज देख रहे हो कि मेरे पास भाई ये बांडली में मेरे पास क्या क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँ मेरे पास आज बांडली में ये चीज है कि आप अपने पशु का नेचुरल दूध कैसे बढ़ा सकते हो। पशु अगर आपकी ताजी भी आई हुई है और वो बिल्कुल अच्छा दूध करेगी उसके लिए हमें क्या क्या चीज देना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक सामग्री दिखाता हूँ कि हमें क्या क्या चीज हमारे पशु को देना चाहिए। तो जरा नजदीक आए मैं आपको सामग्री दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप देखो किसान साथियों, पहले हमारे पास सरसों का खल आता है और हमारे पास ये मसूर दाल का ये चुन्नी हो गया, इसको मसूर दाल के चोकर भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास मिनरल्स मिक्सर हो गया, ये हमारे पास नमक हो गया। किसान साथियों मसूर दाल के आप देखोगे ये मसूर दाल का इसमें छोटा छोटा कण छोटा छोटा छिड़का आपको देखने को मिल जाता है। ये हो गया जी हमारे घर का बेसन, इसमें आपको जो है सोयाबीन चना का बेसन देखने को मिल जाता है। ये हमारे पास चोकर है जो कि गेहूं का चोकर आपको देखने को मिल जाता है। ये हो गया जी हमारे पास गुड़ अजवाइन डाल के बनाया गया मिक्सर पे आपको देखने को मिल जाता है। साथ के साथ ये हमारे पास मक्का, ये आपको मक्का देखने को मिल जाता है जिसमें हमने पीली हल्दी भी डाल रखा है। तो ये हो गया जी एक संतुलित पशु आहार, इसमें आप मीठा सोडा भी डाल सकते हो या मीठा सोडा आप नहीं भी डाल सकते क्योंकि अगर आपके पशु ताजी भी आए तो मीठा सोडा आपको नहीं देना। देखिए आपने देख लिया कि क्या क्या चीज देना चाहिए। देखिए किसान साथियों ये जो आपने देखा मसूर दाल मैंने आपको दिखाया, जो मैंने आपको दलिया दिखाया, जो मैंने आपको चोकर दिखाया, ये सारा हमारे घर का एक चीज होता है। देखिए किसान सबसे बड़ी चीज क्या, आप कोई भी चीज आप यूज करते हो, कोई भी आप दलिया देते हो या कोई आप तरह की सामग्री ला करते हो तो कोशिश करें आप पहले अपने घर की सामग्री दें। इस सामग्री को खिलाओ कम से कम आप सर आप एक गाय से 10 से 15 लीटर जो आपकी गाय दूध दे रही है आप उसके लिए संतुलित आहार है, या फिर जो गाय आपकी 20 लीटर दूध दे रही है अगर आप उसको दोगे तो आपको इससे पशु दूध बढ़ जाएगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए किसान साथियों ये जो हमारे पास मक्का है, मक्के का जब आप चूड़ी बनाते हो इसके अंदर आप हल्दी ऐड करते हो, ये क्या करते हैं आपकी पशु का जो फैट आपके पशु का हल्दी क्या करते हैं एंटीबायोटिक आपके पशु होता है जिससे आपकी पशु नई जो प्रजनन क्षमता जो इनकी पशु का जो नेचुरल डिवार्मिंग प्लस साथ साथ आपके पशु जो दूध कम दे रही है प्लस उसके मैले नहीं छट रहे हैं या आपके पशु को बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम हो या उनकी पशु को कोई तरह का अगर स्किन डिजीज प्रॉब्लम हो तो वहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देती है। आपको पता हो कैसे सरसों की खल, ये सरसों खल आप ओरिजिनल सरसों खल जो आपके गांव ग्राम में होगा इसका प्राइस हम लोग 30 रुपए केजी हम लोग का होता है। हालांकि हम लोग का घर का सरसों का खल है तो हम लोग को इसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 30 रुपए केजी सरसों का खल होता है। सरसों खल आपको पता है कि जब आप सरसों खल दे चुके हो खिला रहे अपने पशु को तो भाई आप कोशिश करें कि पानी इसको भरपेट पिला। जब सरसों खल के साथ आप जब पानी पिलाओगे इससे क्या आपकी पशु का दूध बढ़ना साथ आपके पशु को जो है आपको नेचुरल चीज आपके पशु को जाएगा तो आपके पशु 100% दूध बढ़ाना शुरू करेगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये चूनी, ये मैंने आपको बताया था मसूर दाल का चुनी, मैंने आपको बताया था मसूर दाल की चुनी को आप पानी में भिगो दें कम से कम, अगर आज मुझे सुबह में खिलाना है तो रात को भिगो दें, रात को खिलाना है सुबह में भिगो दें। तो ये जी हो गया, ये चुनी हो गया, इसको भी आप खिला सकते हो। ये जो हमारे पास मसूर दाल का टुकड़ा आपको देखने को मिल रहा होगा, जो मसूर दाल का टुकड़ा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है साथियों, मसूर दाल का टुकड़ा का देखिए आप पानी में इसको भिगा के आप अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं हर चीज को पानी में भिगो के खिलाता हूँ, मैं पानी में ज्यादातर भिगोता हूँ उसके बाद मैं अपने पशु को खिलाता हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे पशु उसको अच्छे से खाते हैं किसान साथियों। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ किसान साथियों, देखिए जब भी आप बेसन बनाते हो तो बेसन में आप कोशिश करें हर हमेशा कि मसूर बेसन में आप सोयाबीन और आप इसमें चने डाल के बनाया करें, इससे आपके पशु का दूध बहुत बढ़ता है। और चोकर तो पता है भाई, क्योंकि जो हमारे पशु का डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया सा बरकरार करता है और बहुत सारे फाइबर इसमें पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों मिनरल्स मिक्सर विटामिन्स, आपके पशु के लिए मिनरल्स मिक्सर विटामिन्स बहुत ही किफायती और बहुत जरूरी चीज है, आपको मिनरल्स मिक्सर देना जरूरी है। तो ये एक हमारे पास संतुलित आहार हो गया, आप इसमें चाहोगे तो मीठा सोडा इसमें डाल सकते हो किसान साथियों, या फिर अगर आपका मन है तो दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते, लेकिन आप अपने पशु को 2 दिन 3 दिन पर 50 ग्राम की मात्रा में मीठा सोडा जरूर दें। और एक खास करके नमक जो होता है, ये नमक आप देख रहे हो ये साधारण नमक, आप साधारण नमक जरूर दें या इसकी जगह आप काला नमक भी यूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस क्या आती है, थोड़ी सी आप क्वेश्चन करोगे सर इसका प्राइस क्या आ रहा है। अगर आपकी पशु 20 लीटर दूध दे रही है, अगर मान लिया जाए अगर हमारे पशु एक जो हमारे पास पशुधन है ये हमारे पशु एक समय 10 लीटर दूध दे रहे, तो उसके लिए हमारे पास बहुत है इतना, ये इसके लिए बहुत है, इससे ज्यादा मैं कभी भी नहीं देता हूँ। क्योंकि ये जो हमारे पास चुन्नी होती है, जो हमारे पास मसूर दाल की चुन्नी है, इसका प्राइस 20 रुपए केजी हम लोग खरीदते हैं। ये सर मैं आपको यानी एक समय अगर मैं आपको बताऊं तो सर रियलिटी बता रहा हूं, मैं 1 किलो चुन्नी देता हूं, 1 किलो चुन्नी, और ये जो आप मसूर दाल का देख रहे हो मसूर दाल का चुन्नी मैंने आपको दिखाया था छोटा छोटा, ये आता है 30 रुपए किलो, मैं इसको 1 किलो इसको भिगोता हूँ पानी में,
ये हमारे पास मक्के का जो जिसको हम लोग घट्टा बोलते हैं या दलिया आप लोग बोलते हो, ये हमारा जी आता है 25 रुपए किलो। ये भी मैं 1 किलो डालता हूँ तो कुल मिलाकर जी 3 किलो हो गया। ये हम लोग खल डालते हैं इसको, कितना मात्र 250 ग्राम खल हम इसमें ऐड करते हैं। चोकर जी हम बहुत से बहुत इसमें चोकर 1 किलो देते हैं। और हमारे पास बेसन हो गया, बेसन की मात्रा हम रखते हैं 1/2 किलो। और बेसन का जो सब क्वेश्चन जोड़ा जाए इसमें अगर मैं जोड़ू तो सर आपका आता है 30, 20, 50 रुपया, 50 और 10, 60 रुपया, 60 और 25 आपका 85 रुपया, 85 और 22 मान लिया जाए 100 रुपये एक समय, कुल मिलाकर 110 रुपये का हम लोग का टोटल ये सामान एक समय का पड़ता है, जो मेरी गाय 10 लीटर दूध देती है। तो भाई हम टोटल ये सामान इतना इसको देते हैं, तो भाई 10 लीटर हमारे पशु और दूध दे रही है तो हमारे इतना बहुत, इससे ज्यादा आप ओवरडोज ना दे रही तो आपकी पशु क्या होगी, पतला गोबर करेगी, दस्त होएगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। तो पहले इसका कोटा धीरे धीरे बढ़ा। और साथ साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ किसान साथियों, कि जब भी आप अपने पशु को दूध बढ़ाने के लिए सोच रहे हो, दूध बढ़ाने के लिए देना चाह रहे हो, कोई भी चीज अगर आप फॉर्मूला आप स्टार्ट कर रहे हो, तो भाई आप अपने घर का फीड जरूर दें। घर का फीड से एक चीज होता है कि आपकी जो पशुधन होती है उसको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और आपकी पशु जब नए बच्चे को जन्म देती है, जब पशु आपकी खाती है, तो इसमें जी बहुत सारे प्रोटीन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मसूर दाल में बहुत सारे प्रोटीन है आपके, मसूर दाल के छिलके, मक्के में आपको बहुत सारा प्रोटीन फाइबर देखने को मिल जाता है, चोकर में अच्छा खासा फाइबर, इसमें सर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा गुड़ वगैरह, अजवाइन वगैरह का जो अचार हमने बना के रखा है, पशु जब खा पी लेते तो हम इस अचार को देते हैं, मिनरल्स मिक्सर आपको दिख जाएगा, नमक दिख जाएगा, ये सब चीज हमारे लिए एक जो घर की सामग्री है, हम इससे अपने पशु का दूध बढ़ाते हैं। अगर और हमें कुछ बाहर से ऐड करना होता है, चाहे कैल्शियम चाहे भीरवेग मिनरल्स मिक्सर ऐड करना होता है, तो भाई हम लोग बाहर से कुछ उसको ऐड करते हैं, लेकिन ये हमारा घर का खुद का यानी बनाया हुआ चीज है, इसको हम लोग कहीं बाहर से ज्यादा खरीदते नहीं है, और घर की सामग्री से अपने पशु का दूध बढ़ाने की ज्यादातर कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो हमारी पशुधन जो है उसका दूध बढ़ जाता है, साथ साथ आपकी पशु जो कम दूध देती है, ये मेरी पशु तो शरारती कर रही है, जैसे हमारे पशु जो कम दूध देती है उनके लिए अच्छी है, उनके लिए अच्छा है कि आप अपने पशु का प्रॉपर दूध बढ़ा सकते हो, इसमें कोई तरह का दिक्कत इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा किसान साथियों। तो आप इस तरीके से आप अपने गाय और भैंस का दूध बढ़ा सकते हो, साथ साथ जिस पशु को जो पशु को मिनरल्स मिक्सर आप दे रहे हो उसको कोशिश करें आप मिनरल्स मिक्सर जरूर देने का। जो पशु आपके मिनरल्स मिक्सर खाएगी, आप देख सकते हो मिनरल्स मिक्सर आप इस तरीके से खिला सकते हो, मिनरल्स मिक्सर खिलाने के लिए जो तरीका है आप देख सकते हो यहाँ पे, आप क्या जब आपकी पशु भूखी रहे, जब आपकी पशु भूखी है तो आप उसको चोकर के साथ मिक्स करके आप अपने पशु को जरूर खिलाएं मिनरल्स मिक्सर विटामिन। इससे क्या होगा आपकी जो पशुधन है पहले मिनरल्स मिक्सर विटामिन खा लेंगे, उससे आपकी पशु का दूध बढ़ जाता है किसान साथी, और इस आपके जो मिनरल्स मिक्सर वो भी खराब नहीं होता और उसका भी बेनिफिट पूरा पशु को मिल जाता। तो ये था जी हमारे पास दूध बढ़ाने का देसी तरीका, और इससे बड़ा तरीका कहीं कुछ नहीं है, और ये घर की औषधि कहीं घरेलू नुस्खा जो भी है यही है दोस्तों। आप बाहर से कोई भी कैल्शियम मिनरल्स मिक्सचर कुछ भी आप लाओ खरीद के, सब कुछ सही है, लेकिन ये सब चीज अगर आपने नहीं दिया अपने पशु को तो जी आपके पशु का दूध कहीं बढ़ नहीं सकता, क्योंकि पशु का दूध बढ़ाने के लिए यही सब चीज मोस्ट चीज है, क्योंकि आपके घर की सामग्री जो है यही सब चीज आपके पशु का दूध बढ़ा सकता है, और दूसरा कोई चीज आपके पशु का दूध नहीं बढ़ा सकता, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो। मैं भले आपको सब कुछ बताता हूँ, फॉर्मूला बताता हूँ, आप यूज भी करते हो, सही बात है जी, लेकिन इस डोज को आप जरूर दें, कोशिश करें कम से कम, नहीं तो जो भी किसान भाई है मसूर दाल का आप चुन्नी ले लो और मक्के का चुन्नी ले लो, ये दोनों को मिक्स करके आप अपने पशु को दो, जिससे आपके पशु का बढ़िया दूध बढ़ेगा, ये अच्छा रिजल्ट है इसके साथ। कहीं बाहर से कोई चीज सामान लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ती है कोई भी चीज मैं आपको 100% बताता हूँ, हाँ आप ये चीज ले लो, आपको ये चीज करना, आपको ये चीज करना, आपको ये चीज देना, मैं हर एक चीज आपको बारीकी से हर एक चीज आपसे शेयर करता हूँ किसान साथियों। तो उन पशुपालकों के इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें जिनके ताजी गाय भी आई हुई है, जिनके पास मान लो गाय है, बछड़ी है, भैंस है, बकरी है, मैं अपनी बकरी को भी यही फीड देता हूँ, अगर आप मेरी बकरी को भी देखोगे ना तो एक बार उधर दिखाएं, मेरे बकरी को भी देखोगे तो भाई मेरी बकरी जो है आप देखो मेरे पास ब्लैक बंगाल बकरियां हैं, अगर मैं इनको फीड देता हूँ तो सेम यही फीड देता हूँ, सारा कुछ यही देता हूँ, कहीं कोई चेंजेस मैं नहीं करता हूँ, अपनी बकरी को भी यही देता हूँ जिससे हमारी बकरियां हष्ट पुष्ट रहती हैं। अगर आप इस साइड देखोगे यहाँ पे एक आपको मेरी यहाँ पे बकरियां दिख जाएगी, आप इसको भी देखोगे तो ये भी हष्ट पुष्ट आपको दिख जाएंगी, आप इसको भी देख सकते हो, ये भी हष्ट पुष्ट हमारे पास बकरियां दिख जाती हैं, और हमारे पास तीन तीन यहाँ पे फीमेल माने की जो पटरियां आती हैं देख सकते हो, तो सारी बकरियां सारी गाय हमारी यही सब कुछ खाती हैं, बाहर से हम लोग कुछ भी चीज खरीद के इसको नहीं देते हैं दोस्तों। तो आप ये चीज देख सकते हो बढ़िया सा, आप ये जो देख रहे हो गाय के लिए बकरी के लिए मैं सेम फीड यूज करता हूँ, इसके मैं बाहर से कोई भी चीज नहीं खरीदता हूँ। तो वीडियो कैसे लिए कमेंट्स बॉक्स में बताएं, अगर आप इससे पहले विजिट कर रहे हो प्यारा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे जी।